आइए अब हम सेल थ्योरम की बात करते हैं। इसको न्यूटन सेल थ्योरम कहते हैं। ये न्यूमेरिकल में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। आइए हम देखें सेल थ्योरम क्या है, सेल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। देखिए सेल थ्योरम, तो सेल थ्योरम ये कहती है कि अगर ये कोई का हालो स्फेयर हो या स्फेरिकल सेल हो, चाहे आप हालो स्फेयर कहिए चाहे स्फेरिकल सेल कहिए, ये कोई हालो स्फेयर हो या स्फेरिकल सेल हो या ये सॉलिड स्फेयर हो और इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर कोई पॉइंट मास यम है, यहाँ पर कोई पॉइंट मास यम रखा गया है, अगर इस पर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है इस सेल या स्फेयर की वजह से, तो हम इस पूरे सेल या स्फेयर के मास को उसके सेंटर पर कंसंट्रेट कर लें और एक पॉइंट मास की तरह इसको ट्रीट करके हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स सेल थ्योरम, फर्स्ट सेल थ्योरम ये कहती है कि अगर ये कोई स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड स्फेयर हो और कोई दूसरा पॉइंट मास या ये एक्सटर्नल पॉइंट पर रखा हो, इसके इस पर हमें इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना हो, तो इसके टोटल मास को हम इसके सेंटर पर कंसंट्रेट मान लें और एक पॉइंट मास का फॉर्मूला अप्लाई करके कैपिटल जी कैपिटल एम या नॉट अपॉन आर स्क्वायर से हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस आर है, मास एम है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर कोई मास एम नॉट रखा गया है, इसकी वजह से इस पर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके टोटल मास को उसके सेंटर पर कंसंट्रेट मान लें और एक पॉइंट मास का फॉर्मूला अप्लाई करके एम इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर हम अप्लाई कर दें, रिजल्ट आ जाए। ओके, तो फर्स्ट सेल थ्योरम क्या कहती है, इफ अ पॉइंट मास, ये कोई पॉइंट मास है, इफ अ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल आर स्फीयर, कोई अगर एक पॉइंट मास है वो एक स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में या एक सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड में लाई कर रहा है, मीन्स वहां पर लाई कर रहा है, यहां पर रखा हुआ है, द सेल आर स्फीयर अट्रैक्ट द पॉइंट मास एज इफ द एंटायर मास ऑफ द सेल वेयर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, तो उस केस में ये सेल या ये स्फीयर इस मास को इस तरीके से अट्रैक्ट करता है जैसे कि टोटल का टोटल मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेट हो, इस केस में इसका टोटल का टोटल मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेट हो। ओके, तो अगर कोई पॉइंट मास किसी स्फेरिकल सेल या सॉलिड स्फीयर के एक्सटर्नल पॉइंट पर लाई कर रहा है, वहां पर हमें फोर्स या फिर इसकी वजह से निकालना है, तो इसके टोटल मास को हम इसके सेंटर पर अज्यूम करके पॉइंट मास का फॉर्मूला अप्लाई करके हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है फर्स्ट सेल थ्योरम। आइए सेकंड सेल थ्योरम क्या कहती है, सेकंड सेल थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई पॉइंट मास किसी स्फेरिकल सेल के इनसाइड में लाई करता है, इंटीरियर पॉइंट पर, तो उस पर किस सेल के द्वारा कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा, जीरो होगा। अगर कोई पॉइंट मास किसी स्फेरिकल सेल के इनसाइड में लाई करता है तो इस सेल के द्वारा इस पर कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट होगा, फोर्स जीरो होगा। और लेकिन अगर ये पॉइंट मास एक सॉलिड स्फीयर, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर, अगर ये पॉइंट मास एक सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर लाई करता है, तो उस केस में इस पॉइंट मास पर फोर्स जीरो नहीं होगा, वो स्फीयर के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, लेकिन इस पॉइंट मास पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो इसके अंदर जितना मास है इस इंटीरियर मास की वजह से ही फोर्स अप्लाई होगा, इस पॉइंट मास यहाँ पर इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं होगा, तो इसके इंटीरियर में जितना मास लोकेटेड है उसकी वजह से इस पर फोर्स अप्लाई होगा। मान लीजिए इसके इंटीरियर में जितना मास है वो यम आर है, वो क्या है, यम आर है, तो फोर्स हो जाएगा कैपिटल जी इतने का इंटीरियर का मास यम आर इंटू इसका मास, इसको यम नॉट मान लीजिए, इंटू यम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम और इंटू यम आर अपॉन आर, ये हो जाएगा इस्तेमाल यम नॉट इंटू आर अपॉन आर क्यू। हमें पता है कि मास घर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो यम आर अपॉन कैपिटल यम हो जाएगा इस्तेमाल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। मास जो होता है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, मीन्स यम आर जो हो जाएगा वो इसका वॉल्यूम होगा फोर अपॉन
और जो कैपिटल एम होगा वो होगा इसका वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल एम आर अपॉन कैपिटल एम आर एंड स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, तो कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू एम आर अपॉन आर क्यूब इंटू आर आ जाएगा, तो ये फोर्स आएगा। तो इस केस में फोर्स जीरो नहीं होगा, लेकिन इस केस में इस पॉइंट मास पर इसके जो इंटीरियर में जितना मास लोकेटेड है वही इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इसके बाहर जो मास है वो इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ओके, तो आगे देखें इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट है इफ अ पॉइंट मास लाइज इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, अगर कोई पॉइंट मास एक स्फेरिकल सेल के इनसाइड में लाई कर रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पॉइंट मास इज जीरो, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा जीरो होगा, क्या होगा जीरो होगा। बट इफ अ पॉइंट मास लाइज इनसाइड अ होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर, अगर वो एक सॉलिड स्फीयर के है द फोर्स ऑन द पॉइंट मास एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अगर यही पॉइंट मास किसी एक होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर के है तो इस पर फोर्स इसके सेंटर की तरफ होगा। दिस फोर्स इज एग्जर्टेड बाय द स्फेरिकल मास सिचुएटेड इंटीरियर टू द पॉइंट मास, इस पॉइंट मास के इंटीरियर में ये जितना मास है इसके द्वारा इस पर फोर्स अप्लाई होगा, इस मास के द्वारा कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ओके, अब हम देखेंगे इज ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल, क्या ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल है। शील्डिंग का मतलब होता है बचाना, प्रोटेक्ट करना, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ हम किसी बॉडी को छुपा दें तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बच जाए, उस पर किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड ना पहुंचे। नो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। नो, ऑल्दो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पार्टिकल इनसाइड अ स्फेरिकल सेल इज जीरो, यहाँ किस केस में किस स्फेरिकल सेल के अंदर जब ये मास रखा है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो जीरो है, लेकिन ये स्फेरिकल सेल अगर बाहर कोई बॉडी है तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को ये सेल नहीं रोक पाएगी, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इससे इंटरेक्शन करेगी और इस पर फोर्स एग्जर्ट होगा। तो वही राइट किया है कि ऑल्दो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पार्टिकल इनसाइड अ स्फेरिकल सेल इज जीरो, मींस कोई अगर पॉइंट मास किसी स्फेरिकल सेल के अंदर रखा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है इस सेल का। Yet the cell does not shield other bodies outside it from the exerting gravitational force on the particle. लेकिन अगर इस सेल के बाहर कोई बॉडी वाले ये सॉलिड स्फीयर है तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर एक्ट करेगी, ये इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये सेल इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को नहीं इसलिए रोक पाएगी। अंतस ग्रेविटेशनल शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल, ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं पॉसिबल है, मीन्स कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम जाकर किसी डिवाइस को रख दें तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उससे इंटरेक्ट ना करे, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर इंटरेक्ट ना करे, तो ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पॉसिबल है, मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग पॉसिबल है, जब लाइटनिंग और थंडरिंग होती है जब लोग कार के अंदर बैठ जाते हैं गेट बंद करके, क्योंकि कार के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। अगर किसी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है तो उसको आयरन बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए तो वो मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पॉसिबल है, मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग पॉसिबल है, लेकिन ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं पॉसिबल है, मीन्स किसी भी बॉडी को बाहर की ग्रेविटेशनल फील्ड से नहीं बचा सकते। ओके, अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आएंगे।